सभी का स्वागत है एडवर्टिस नेटवर्क में। दोस्तों, हाल ही की लाइफ जो है या आज का जो जीवन है, ये पूरी तरह से टेक डिवाइसेस पर बेस्ड हो गया है। आम आदमी हो या फिर एक ऑफिशियल पर्सन हो, हर बंदा अपने लाइफ में इन डिवाइसेस का भरपूर उपयोग कर रहा है। तो ऐसे में लोगों का छोटे छोटे टर्म्स को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल जानते होंगे कि वाईफाई क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वाईफाई के बारे में कम ही जानते होंगे। फिलहाल हमारा यहाँ टॉपिक वाईफाई के बारे में बताना नहीं, बल्कि लाईफाई को लेकर हम यहाँ पर आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप कहेंगे तो हम वाईफाई पर भी अपना एक वीडियो आपको शेयर करेंगे, लेकिन आपको इतना बता दें कि लाईफाई और वाईफाई दोनों ही एक जैसे ही है। जी हाँ, फर्क है तो केवल इनके उपयोग करने में और इनकी स्पीड में। दोनों ही इंटरनेट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। जी हाँ, तो आज हम आपको लाईफाई के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि लाईफाई के बारे में शायद ही सब जानते हो। जी हाँ, ये जो लाईफाई की टेक्निक है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे टीवी को रिमोट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि टीवी में भी एक लाइट लगी होती है और वहीं लाइट रिमोट में भी एक देखने को मिलती है। यानी पूरी प्रक्रिया लाइट पर आधारित है। तो ऐसे ही लाईफाई की जो पूरी प्रोसेस है वो लाइट पर ही पूरी तरह से बेस्ड है। लाईफाई का पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है। जी हाँ, जो यूजर्स को लाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करती है। इसमें यूजर लाइट के जरिए ही इंटरनेट का उपयोग करता है। तकनीक को लाने वाले प्रोफेसर हेराल्ड हास हैं। जी हाँ, प्रोफेसर हेराल्ड हास जो है, इन्होंने 2011 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के टेड ग्लोबल टॉक में पहली बार अपने इस आइडिया को लोगों के सामने रखा और इसे बताया कि कैसे लाइट के जरिए वायरलेस कम्युनिकेशन काम करता है। और इस तकनीक को शेयर करते हुए उन्होंने इसे लाईफाई नाम दिया, यानी लाइट फिडेलिटी नाम दिया। प्रोफेसर हेराल्ड हास ने कहा कि लाईफाई एक लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो विजिबल लाइट वेव्स के माध्यम से हाई स्पीड पर डेटा को सेंड करने का काम करती है। यह वाईफाई से, उन्होंने बताया कि 100 गुना तक तेज है, इसलिए इसकी मदद से कम समय में अधिक मात्रा में डेटा को आप सेंड कर सकते हैं। हालांकि यह एक हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये बताया, लेकिन इस दरमियान उन्होंने इसकी खामियों को भी शेयर किया, उसे हम आपको बाद में बताएंगे। चूंकि ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने की तकनीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये तकनीक महंगी भी होगी। जहाँ जहाँ पे अगर आप देखें ऑप्टिकल शब्द का उपयोग होता है, वो चीज काफी महंगी हो जाती है, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो या ऑप्टिकल वायरलेस कनेक्शन हो, तो ये कनेक्शंस काफी महंगे होते हैं। इसी तकनीक पर पूरी तरह से लाईफाई बेस्ड है। लाईफाई एक हाई स्पीड ऑप्टिकल वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी एलईडीज का इस्तेमाल करती है। डेटा को भेजने और रिसीव करने के लिए लाइट का ही उपयोग पूरी तरह से इसमें किया जाता है। कुल मिलाकर एक विजिबल लाइट कम्युनिकेशन यानी VLC सिस्टम है जो ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसे शॉर्ट रूप में OWC कहा जाता है, का एक प्रकार है। इस प्रकार से जो लाईफाई है, ये पूरी तरह से विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का ही उपयोग करती है। अगर आसान भाषा में कहें तो लाईफाई एक दूर गति यानी तेज गति की वायरलेस संचार तकनीक है जो संचार के लिए यानी कम्युनिकेशन करने के लिए विजिबल लाइट का पूरी तरह से उपयोग करती है। मतलब आंखों से देखे जा सकने वाले प्रकाश यानी एलईडी बल्ब की रोशनी का उपयोग करती है, लेकिन इसकी रेंज काफी कम होती है, इसलिए इसे दूर तक ले जाना संभव नहीं होता। यानी ये कम्युनिकेशन एक छोटे से एरिया में ही काम कर सकती है। यानी अगर आपने अपने कमरे में इस तरह के एलईडी बल्ब्स को लगा कर रखा हुआ है, तो केवल उस कमरे तक ही ये तकनीक काम करेगी। अगर आप दूसरे कमरे में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे एलईडी बल्ब का प्रयोग करना पड़ेगा उस कमरे के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक है। अगर आपको ये बताएं कि ये कैसे काम करती है, तो जिस तरह से हर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सिग्नल्स को भेजने और रिसीव करने के लिए कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे ही लाईफाई में भी मेन तीन कंपोनेंट हैं। ये तीन कंपोनेंट हैं एलईडी बल्ब, लैंप ड्राइवर और फोटो डिटेक्टर। एलईडी बल्ब डेटा सिग्नल्स को लाने ले जाने का एक जरिया है, जबकि लैंप ड्राइवर डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और फोटो डिटेक्टर जो है इन सिग्नल्स को रिसीव करता है और इस तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ये जो एलईडी होती है, उसमें एक चिप लगी होती है जो सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करती है।
इस प्रकार ये जो एलईडी लाइट होती है ये सेमी कंडक्टर्स के रूप में काम करते हैं। आपको बता दें इस पूरी प्रक्रिया में लाइफ आई में लैंप ड्राइवर जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ से डेटा आ रहा होता है उसमें सबसे पहले आपका लैंप ड्राइवर ही जुड़ा होता है और ये एलईडी बल्ब को सिग्नल भेजने का काम करता है। इसके बाद ये जो एलईडी बल्ब है ये प्राप्त सिग्नल्स को प्रोसेस करके लाइट के रूप में प्रसारित करने का काम करता है। मतलब एलईडी बल्ब इन सिग्नल को प्रोसेस करके लाइट वेव के रूप में सेंड करता है, और जब ये सिग्नल एलईडी बल्ब से होते हुए फोटो डिटेक्टर के पास पहुंचते हैं तो फोटो डिटेक्टर कैप्चर कर लेता है और इसमें मौजूद डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, यानी जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और डिवाइस में यह डेटा प्रोसेसर का फोटो, वीडियो और ऑडियो के रूप में दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से लाइट के जरिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन होता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस इस लाइफाई की। तो अब पढ़ते हैं कि लाइफाई के फायदे क्या हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके फायदे तो होंगे, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे, कुछ कमियां भी होंगी, तो वो भी हम आपको इधर पे बताएंगे। तो फायदे की यदि बात करते हैं तो फायदा तो काफी है कि इसकी स्पीड अच्छी है, इसकी इफिशियंसी अच्छी है, अवेलेबिलिटी अच्छी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है, प्राइवेसी के साथ साथ ये हार्मलेस नहीं है, जो कि आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि ये हार्मलेस प्रोसेस नहीं है। जी हाँ, स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 224 गीगाबाइट पर सेकंड। जी हाँ, यानी कि स्पीड इसकी काफी ज्यादा है, यह 5G से भी ज्यादा तेज है। जी हाँ, वाईफाई से करीब 100 गुना तेज है इसकी स्पीड, इसलिए लाइफाई वाईफाई का बेहतर विकल्प हो सकता है और भविष्य में वाईफाई की जगह भी ले सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। जी हाँ, अगर प्राइवेसी को लेकर समस्या है तो आपको बता दें कि लाइफाई टेक्नोलॉजी में यह समस्या नहीं है, इसमें आपको गजब की प्राइवेसी मिलती है, क्योंकि इसका नेटवर्क आपके कमरे तक ही होता है, इसलिए बाहरी व्यक्ति नेटवर्क में घुसपैठ नहीं कर सकता और आपके डेटा पैकेट के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता, यानी कि आप पूरी तरह से पूरी गोपनीयता के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका डेटा और जो कम्युनिकेशन है वो हो सकता है, आपका नेटवर्क और डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, हार्मलेस की बात हमने आपको बोली कि आज की लाइफ में हार्मलेस प्रोसेस बेहद ही जरूरी है। तो आज के दिन वायरलेस कम्युनिकेशन की जितनी भी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये सब रेडियो वेव्स पर ही डिपेंड है, यानी कि सिग्नल्स को लाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए इनसे घातक रेडिएशन निकलता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है, इसलिए लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने पर स्वास्थ्य काफी परेशान हो सकता है व्यक्ति का। तो ये बात इसमें बेहद जरूरी है कि लाइफाई टेक्नोलॉजी में इस तरह का कोई भी आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं निकलता, ये पूरी तरह एलईडी पर बेस्ड है, इस कारण से ये आपके स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालती, पूरी तरह से सेफ है आपके स्वास्थ्य के लिए। वाईफाई की कमियों की बात करें कि क्या कमी इस टेक्नोलॉजी में, तो आपको बता दें रेंज काफी कम होती है, इसके सिग्नल को ज्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता, इसके सिग्नल दीवारों को पार नहीं कर सकते, इसलिए इसे एक कमरे में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइट सोर्स के इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कुल मिलाकर इंटरनेट का यदि आपको उपयोग करना है तो एलईडी बल्ब हमेशा ऑन रखना पड़ेगा इसके लिए। जी हाँ, दूसरी बात यह है कि सूर्य की रोशनी संचार में बाधा उत्पन्न कर सकती है, इसलिए ध्यान देने की बात है कि जहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ सूर्य की रोशनी ना आए, आपके एलईडी बल्ब की भरपूर रोशनी रहे। सिग्नल को एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाने के लिए मल्टीपल लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है, तो ये इसकी काफी बड़ी कमी है। जी हाँ, अब आपको जल्दी से बता देते हैं लाइफाई वर्सेस वाईफाई क्या है। जी हाँ, वैसे तो आपको लाइफाई वाईफाई में काफी समानताएं मिलेंगी, लेकिन ये दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है, इसमें कई तरह के अंतर हैं, जैसे कि इनकी स्पीड को, इनकी रेंज को लेकर, इनके डेटा ट्रांसमिशन मीडियम को लेकर, कंपोनेंट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी आदि मामलों में ये काफी डिफरेंट है। तो चलिए जल्दी से एक नजर में आपको बता देते हैं। मीडियम की बात करें तो लाइफाई के बीच सबसे बड़ा मतलब जो अंतर है वो उसके मीडियम को लेकर है, क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन के जो मीडियम है वो काफी अलग है। आपके जो वाईफाई है इसमें रेडियो वेव्स का उपयोग होता है, वहीं लाइफाई में विजिबल लाइट वेव्स का उपयोग किया जाता है। इनकी स्पीड की बात करें तो वाईफाई की स्पीड 5 गीगाबाइट पर सेकंड होती है, तो वहीं लाइफाई की स्पीड 224 गीगाबाइट पर सेकंड होती है, जो कि काफी अलग है, यानी कि लाइफाई की स्पीड काफी तेज है। जी हाँ, तीसरी बात स्पेक्ट्रम को लेके आती है, तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम यानी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम का उपयोग होता है आपके लाइफाई में, और रेडियो वेव स्पेक्ट्रम का उपयोग होता है आपके वाईफाई में। सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मामले में आपका लाइफाई ज्यादा बेस्ट है वाईफाई से।
अगर हार्मलेस प्रोसेस की बात करें तो वाईफाई ज्यादा हार्मलेस है और वाईफाई आपका हार्मफुल प्रोसेस है, क्योंकि वाईफाई में रेडिएशन निकलता है पूरी प्रोसेस के दौरान, और वहीं आपकी जो वाईफाई है इसमें लाइट वेव्स ही निकलते हैं, इस तरह का कोई रेडिएशन नहीं निकलता जो कि आपके स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाता। इस कारण से वाईफाई बेटर है वाईफाई से। सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं तो वाईफाई बेहद सिक्योर है। तो दोस्तों ये थी पूरी बात वाईफाई को लेकर। यहाँ पे हमने आपको बताया वाईफाई क्या है, कैसे काम करती है और वाईफाई से कैसे अलग है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इन सारी बातों को हमने आपके सामने शेयर किया। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ समय समय पर हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके लिए आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।